हेमा मालिनी ने बताई सनी देओल के बेटे की शादी में शामिल न होने की बड़ी वजह। हेमा मालिनी ने शादी में शामिल न होने का कारण बताकर कर दिया हर किसी को हैरान। हेमा मालिनी ने परिवार को लेकर कह दी बड़ी बात। जी हां, बॉलीवुड स्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 सिनेमा घरों में धमाल मचा रही है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखा है। कमाई के मामले में फिल्म ने कई हिट फिल्मों को भी पछाड़ दिया। इस वक्त सनी और उनका पूरा परिवार गदर 2 की सक्सेस को एंजॉय कर रहा है। फिल्म ने पूरे देओल परिवार को करीब ला दिया है। फिल्म की स्क्रीनिंग पर धर्मेंद्र के सारे बच्चे सनी, बॉबी, ईशा और अहाना देओल एक साथ नजर आए थे। इसी बीच अब हेमा मालिनी ने सनी के बेटे करण देओल की शादी में न पहुंचने के पीछे की वजह का खुलासा किया है। धर्मेंद्र की दोनों परिवारों यानी उनकी पहली पत्नी प्रकाश और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनके बच्चे के बीच अनबन की खबरें सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। खबरों की माने तो न सिर्फ धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां बल्कि उनके बच्चों के बीच भी अनबन रही है। लेकिन हाल ही में गदर 2 की स्क्रीनिंग में इन खबरों पर तब विराम लगाया जब धर्मेंद्र के सारे बच्चे सनी, बॉबी, ईशा और अहाना देओल न सिर्फ एक साथ नजर आए बल्कि ईशा ने अपने भाइयों के साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीरें भी पोस्ट की। ऐसे में अब हेमा का इंटरव्यू खूब चर्चा में बना हुआ है। हेमा मालिनी ने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में कहा, मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि इसमें कुछ नया है क्योंकि यह बहुत सामान्य है। कई बार सनी और बॉबी हमारे घर भी आते हैं। वहीं हम उन लोगों में से नहीं है जो हर तस्वीर को तुरंत इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं। हम उस तरह की फैमिली से नहीं है। हम सब एक साथ है और हमेशा साथ ही रहेंगे। कोई भी समस्या हो हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसके साथ ही हेमा मालिनी ने सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी में शामिल न होने की वजह पर भी बात की। उन्होंने कहा, यह अजीब है कि लोग ऐसा कैसे दिखाते हैं कि हम अलग हो गए हैं। हम हमेशा साथ हैं, पूरा परिवार हमारे साथ है। कुछ कारणों से शादी में शामिल नहीं हो सके थे और यह एक अलग बात है। वहीं सनी, बॉबी हमेशा रक्षाबंधन पर शुरू से ही घर आते हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए बने रहे फिल्मी संवाद के साथ। मैं थी नम्रता, धन्यवाद।